चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्फिनिटिव, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वर्ब का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और वर्ब में हमने देखा था कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसमें हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी देखा था, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में हमारा तीन चीज होता है, एक इन्फिनिटिव होता है, एक जेरंड होता है, और एक हमारा पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं कि इन्फिनेटिव्स का कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फिनेटिव कहते किसको है। तो टू प्लस वर्ब वन को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। टू प्लस वर्ब वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो जनरली इन्फिनिटिव हमारा नाउन का वर्क करता है, ठीक है। किसका वर्क करता है जी, नाउन का, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है तो आप समझ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन्फिनिटिव्स इन्फिनिटिव्स कैन बी यूज्ड इन सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब क्या कि इन्फिनिटिव यदि नाउन का काम करता है तो ये सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन या प्रनाउन का यूज सब्जेक्ट में हो सकता है, इन्फिनिटिव का यूज ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव दो टाइप का होता है, एक होता है टू प्लस वर्ब वन, ठीक है, और एक केवल वर्ब वन भी होता है। मतलब वर्ब वन को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं जी, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, ओके। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इन्फिनिटिव इज अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब विच एक्ट एज नाउन जनरली, ठीक है। नाउन का काम करता है, तो नाउन है तो सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहला लिखा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू वॉक इज ए गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। तो आप देख सकते हैं यहां पर टू वाक क्या हो गया, आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। और इन्फिनिटिव है तो आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव किसका वर्क करता है जी, नाउन का, ठीक है ना। तो टू वाक यहां पर इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। दूसरा हम बोले कि ही वांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो यहां टू प्ले आया है, तो टू प्ले कहाँ आया है जी, ऑब्जेक्ट में आया है, ठीक है ना। कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, ठीक है। इट मीन्स यहां आप देख लिए कि सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव का यूज ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। आया बात समझ में ना, क्योंकि ये नाउन का काम करता है, ठीक है। अगला यदि हम लोग रूल पर चलेंगे तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इन्फिनिटिव का यूज कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ होता है, वो हम वर्ड आपके लिए लिखने वाले हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड, देखिए जिनका यूज हम लोग यदि होता है तो इन्फिनिटिव का करते हैं। जैसे यदि किसी सेंटेंस में आपका एग्री आ गया, एग्री सहमत, ठीक है। एफोर्ड आ गया, एफोर्ड, ठीक है। और क्या, लर्न आ गया, लर्न, LERN, ठीक है। लर्न हो गया, डिसाइड हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है। वांट हो गया, सीम हो गया, ठीक है। सीम का मतलब क्या होता है, महसूस करना, ओके। वेट, वेट, होप हो गया, ओके। ये सब क्या है, तो ये सब ऐसे वर्ड है। एक्सपेक्ट, नीड हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसे, कैसा वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है आफ्टर दीज वर्ड्स जनरली इन्फिनेटिव शुड बी यूज,
जनरली इन्फिनेटिव शुड बी यूज। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर कि द सीएम डिसाइडेड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिसाइड वर्ड है, ठीक है ना, डिसाइड, तो ये डिसाइड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमारा इन्फिनिटिव आता है, तो ये पार्टिसिपेटिंग के जगह पर क्या हो जाएगा, टू पार्टिसिपेट हो जाएगा, ठीक है ना, टू पार्टिसिपेट। ओके, हम बोले सी वांट्स गोइंग देयर, तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि वांट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आता है हमारा क्या, इन्फिनेटिव, यानी किसका यूज करेंगे, टू गो का यूज करेंगे। आया बात समझ में ना, क्योंकि वांट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। ओके, अच्छा और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आई एम होपिंग अवॉइडिंग नहीं कर सकते, होप के बाद किसका यूज करेंगे जी, तो इन्फिनिटिव, यानी क्या हो जाएगा, टू अवॉइड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना, यानी कुछ वर्ड्स के बाद हमने देखा कि हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ठीक है, आपके लिए वर्ड देखिए कौन कौन सा है, जैसे हमने लिखा एग्री हो गया, एफोर्ड हो गया, ठीक है, और लर्न हो गया, डिसाइड, वांट, सीम, वेट, होप, एक्सपेक्ट, नीड, आफ्टर दिस वर्ड इन्फिनेटिव शुड बी यूज, और एग्जाम्पल भी हमने समझा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक क्लास, अगला हम लोग यूज पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में, ठीक है ना, तब तक आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए, थैंक यू।